वाकई बहुत ही रोमांचक है इसका इतिहास। इस किले को घूमना, इसके बारे में जितनी जानकारी प्राप्त की जाए उतना ऐसा लगता है कि वाकई वो बहुत कम रह जाती है। अभी मैं आपको एक बहुत ही मैजिक विंडो यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। यहाँ पर अगर आप इसकी संरचना को देखें तो ये बिल्कुल बंद आपको विंडो दिखाई देगी। मैं आपको भी इसे दिखाता हूँ। यहाँ से अगर हम देखें तो ये विंडो पूरी तरह से बंद दिखाई दे रही है। अब इसे इसके दूसरी ओर से अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल आश्चर्य होता है इसकी बनावट पे। अब अगर इधर उसी विंडो को अगर हम देख रहे हैं तो इससे दिखाई दे रहा है कि ये विंडो जो है वो बंद नहीं है बल्कि खुली है, और इसकी जो बनावट है वो इस प्रकार से की गई है ताकि इसमें से हवा पूरी तरह से आ सके। यानी अगर इधर से हम कोई चीज़ बाहर, कोई कागज़ का टुकड़ा या कोई भी और चीज़ फेंकते तो बिल्कुल बाहर चली जाएगी। तो ये इसकी एक मैजिक विंडो है। मेरे पीछे जो आप इमारत देख रहे हैं ये है खास महल, आगरा किले की एक बेहद ही खूबसूरत और ख़ास जगह। इसे बनवाया था जहांगीर के बेटे बादशाह शाहजहां ने, और इसी स्थान पर शाहजहां और उनकी बेगम मुमताज महल रहते थे। यह इमारत पूरी सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है, बेहद ही खूबसूरत है यह इमारत। यहाँ पर संगमरमर में विभिन्न प्रकार से बहुत सारी इसमें अपना कला का प्रदर्शन भी किया गया, इसमें पच्चेकारी भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें सफ़ेद संगमरमर में बेहद ही खूबसूरत इसमें पच्चेकारी भी की गई है, जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर नीचे देखिए, इसमें बहुत ही खूबसूरत पच्चेकारी है। ये पूरी इमारत जो है वो एक सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है। खास महल के ठीक सामने ये देखिए, यहाँ पर फुब्बारे लगे हुए हैं और एक ये कुंड बना हुआ है यहाँ पर। और ये फुब्बारे जो हैं विशेष रूप से जो टैंक बने हुए थे उन टैंकों में पानी के प्रेशर से ये फुब्बारे चलते थे, और इस टैंक में खूबसूरत महकते हुए गुलाब की पंखड़ियाँ डाल दी जाती थी, जिससे पूरा वातावरण जो है वो एकदम बहुत ही महक उठता था यहाँ पर। ये जो जगह देख रहे हैं यहाँ पर, जो अगर हम ध्यान से इनको देखें तो वहाँ पर लोहे के हुक लगे हुए हैं। ये हुक जो हैं वो इसलिए लगाए गए हैं कि यहाँ पर इनके माध्यम से जो है वो पर्दे लटकाए जाते थे। इस इमारत की एक और ख़ासियत मैं आपको बताऊं कि इसमें जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो आलों में और वहाँ जो आपको काले काले रंग के दिखाई दे रहे हैं, आपको लग रहा हो कि ये कोई कलर पेंटिंग इसमें की गई है, बल्कि इसमें कलर पेंटिंग नहीं की गई। इसमें जितना भी ये कार्य है, यहाँ पर सोने का कार्य किया गया था, और इसमें जो ओरिजिनल गोल्डन पेंट है जो सोने से बना हुआ था उसका इस्तेमाल किया गया था इसको बनाने के लिए। बाद में इसमें से सोने को जो है निकाल लिया गया और ये फिर इस रूप में यहाँ पर दिखाई देती हैं। इसकी अगर हम साइड कॉर्नर पर कुछ अगर हम देखें तो वहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है वो अभी भी ओरिजिनल गोल्डन कलर है, वो इसलिए इसमें देखने के लिए इसके साक्ष के रूप में यहाँ पर मौजूद है। और साथ ही इसमें देखिए पत्थरों में कितनी खूबसूरत पच्चेकारी है, जो पत्थर में है ये अलग से नहीं चिपकाई गई है, बल्कि वाइट मार्बल में फूल पत्तियाँ जो दिखाई दे रही हैं इस पत्थर पे ही कारीगरों द्वारा इसमें इनको नक्काशी की गई है, इनको उभारा गया है। ये देखिए कितनी खूबसूरत है यहाँ पर। और ये पत्थर जो है वो एक तरह से कहना चाहिए ये चमकने वाला पत्थर है, इससे प्रॉपर इसमें रोशनी रहती है इस महल में। खास महल के बराबर में किसी और इमारत के बारे में जिक्र किया जाए उससे पहले, चूंकि इसके ठीक सामने अंगूरी बाग है तो अंगूरी बाग के बारे में भी जिक्र कर लिया जाए, उसके बारे में बात कर ली जाए।
अंगूरी बाग के बीचों बीच में ये कुंड हम देख रहे हैं। यहाँ पर फुब्बारे के माध्यम से इसे भरा जाता होगा और इसके चारों ओर ये बगीचा है और इसमें जो है कुंड में गुलाब जल आदि डालकर इसको सुगंधित किया जाता होगा। खास महल और अंगूरी बाग से लगी हुई कॉर्डर पर एक बेहद ही खूबसूरत संरचना है, वो है शीश महल।